के साथ। मैं चाहता हूँ सलीम शिवालयू का एक बार जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करें। सलीम शिवालयू सबसे पहले जिनके नाम से ये मुशायरा मुनक्किद किया गया है, चार मिसरे हाजिर कर रहा हूँ। रमजान भाई की बेमिसली थे नायाब थे मुख्तार कुरैशी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बेमिसली थे नायाब थे मुख्तार कुरैशी, हर रुख से लाजवाब थे मुख्तार कुरैशी, हर रुख से लाजवाब थे मुख्तार कुरैशी। और अमनो अमा के वास्ते लड़ते रहे सदा, ये कासिम भाई गवाह हैं और हमारे कन्हैया जायसवाल जी गवाह हैं। हम लोग दूल्हे के साथ जो उनका संघर्ष रहा एकता भाईचारे का, वो हाजिर कर रहा हूं कि अमनो अमा के वास्ते लड़ते रहे सदा, एक खुद में इनके लाभ थे मुख्तार कुरैशी, एक खुद में इनके लाभ थे मुख्तार, बेमिसली थे नायाब थे मुख्तार कुरैशी, हर रुख से लाजवाब थे मुख्तार कुरैशी। अमनो अमा के वास्ते लड़ते रहे सदा, अमनो अमा के वास्ते लड़ते रहे सदा, एक खुद में इनके लाभ थे मुख्तार कुरैशी। कहा गया है कि एक आकी दो मुक्तक सही हास्य का भी पढ़ें। हालांकि आज सेहन हमारा उधर नहीं था, हमारे शंकर भाई भी कह रहे हैं, हाजिर कर रहा हूँ सुने। एक मुक्तक वायरल हुआ था जिसकी फरमाइश भी हुई है, वो हाजिर कर रहा हूँ सुने। के हुकूमत मशवरे पर घर मेरे तैयार हो जाए, शंभू भाई सुनिएगा, वायरल है कि हुकूमत मशवरे पर घर मेरे तैयार हो जाए, अमित साहब भावे नहीं देते तो ये मुमकिन नहीं कश्मीर में फिर रार हो जाए। हुकूमत सर आपने नहीं सुना है, सुने कि हुकूमत मशवरे पर घर मेरे तैयार हो जाए तो ये मुमकिन नहीं कश्मीर में फिर रार हो जाए। चले जाएं अमित शाह पाक में कुछ रोज की खातिर, यकीनन पाक में भी भाजपा सरकार हो जाए, यकीनन पाक में भी भाजपा सरकार हो जाए। याद नहीं। बहरहाल एक दो मुक्तक और हाजिर करना चाहता हूँ कि बाद एक कविता पढ़, आज जो मुन भरा है वही पढ़। बहरहाल भैया बहुत दिन बाद सामना हुआ, मैं चाहता हूं कि आपका भी सम्मान करें। मैं किसी का अपमान नहीं करता, सम्मान में ही पंक्ति हाजिर करूंगा। अब दोनों लोग खास करके सुनेंगे, आप लोग थोड़ा सा आनंद लेंगे। के फसल जब उग नहीं सकती, मेरे वाली साहब के भी सर पर बाल नहीं था भाई साहब, वो सुबह जब मुंह धोते थे तो पता ही नहीं चलता था कहां तक धोवे, अजीब स्थिति हो जाती थी। मैं किसी का अपमान नहीं करता, सम्मान में पंक्ति हाजिर कर रहा हूं। ये फसल जब उग नहीं सकती तो कोई चर नहीं सकता, थोड़ा सा माहौल दे दीजिए बनारसी अंदाज का। ये फसल जब उग नहीं सकती तो कोई चर नहीं सकता, ये ऐसा खेत है जिसमें के पानी भर नहीं सकता, ये ऐसा खेत है जिसमें के पानी भर नहीं सकता। जब इनकी दोस्त तो सर पर नहीं एक बाल भी बाकी,
अरे कोई भी सूरमा हो बाल बाका कर नहीं सकता, कोई भी सूरमा हो। मैंने पहले ही कहा था कि मैं किसी का अपमान नहीं करता, इसीलिए आपने बाल बढ़ा दिया। बहरहाल नहीं नहीं भाई साहब, उसमें भी फर्क है। आजकल एक फैशन चला हुआ है, 60 साल 65 साल के हैं और डेंट पेंट करा के फर्स्ट क्लास 22 साल के हो जा रहे हैं। भाई साहब कितने हाजिर कर रहा हूं, सुने चार पंक्ति और। नहीं नहीं पहले ही हंसना है तो एक बार जोरदार आप लोग भी ताली बजा दीजिए, इनका जवाब हो जाए। के खून में अब रवानी नहीं आने वाली, क्या बात है क्या बात है। खून में अब रवानी नहीं आने वाली, वो हंसी रात सुहानी नहीं आने वाली। बाली रंग वाके कोई लाखी भी काला कर ले, बाली रंग वाके कोई लाखी भी अजी काला कर ले, लौट कर फिर से जवानी नहीं आने वाली, लौट कर फिर से जवानी नहीं आने वाली। गाड़ी से सारा अच्छा, इसका मतलब है वो भी सुनना चाह रहा है। बहरहाल इशारा है, मैं पढ़ देता हूँ। और रमजान भाई ने जब यहाँ बुलाया है तो पढ़ना ही पड़ेगा। बहरहाल देखिए, इधर कैमरा लगा हुआ है, चार पंक्ति और हास्य के लिए हाजिर कर रहा हूं। कि पास क्या हो रहा है, पास उसके भी कैमरा होगा। पास भाई साहब, भाई साहब इधर कैमरा वाले भाई साहब, पास उसके भी कैमरा होगा। सीन कुछ खास ले रहा होगा, पास उसके भी कैमरा होगा। सीन कुछ खास ले रहा होगा, ये यहाँ खींच रहे हैं फोटो, घर कोई और खींचता होगा, घर कोई और खींचता होगा, घर कोई और खींचता होगा। और जी ये अनुभव, हालांकि वो बच्चा जब जब वो कैमरा उठाएगा तो ये दाढ़ी टोपी वाला उसे याद आएगा। हाजिर कर रहा हूँ, हंसते हंसाने के लिए चार पंक्ति और रमजान भाई ने याद दिलाया, मैं उसको पढ़ दूं। कि अपनी नजरों में बिठा लेता हूँ, चूंकि इनका ससुराल बनारस में है, ये मिर्जापुर के हैं, हम बनारस के हैं, हमारा ससुराल मिर्जापुर में है। बात समझ रहे हैं, मामला बस इतना ही है। और मोहल्ला भी एकदम सटा हुआ है भाई साहब, हम रामबाग में, हम भी रामबाग एकदम सटा हुआ है। हाजिर कर रहा हूं कि अपनी नजरों में बिठा लेता हूं, रूठ जाएं तो मना लेता हूं। अपनी नजरों में बिठा लेता हूं, रूठ जाएं तो मना लेता हूं, इनकी वाली को बुलाने के लिए गाम दाढ़ी से चला लेता हूँ, गाम दाढ़ी से चला लेता हूँ। बहरहाल ये हंसने हंसाने के लिए था।